जय हिंद। आप सभी को कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई। अब बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेस निकाल दीजिए, क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या नहीं पढ़े, इन सब के बारे में अब सोचना ही नहीं है और ना ही रात भर पढ़ते रहना है। अब बिल्कुल आपने जितना पढ़ लिया वीडियो देखने के बाद स्टॉप कर दीजिए, खूब अच्छे से खाइए, पूरी नींद लीजिए और एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचिए। ये बहुत मायने रखता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि एग्जाम सेंटर नजदीक है, एट ए टाइम जाएंगे, तो हमारे दिमाग में अगर एक मिनट भी लेट होता है ना तो स्ट्रेस हावी हो जाता है। उस स्ट्रेस के कारण जो है उसका प्रभाव एग्जाम पर भी पड़ जाता है, तो वो नहीं सोचना है। तो दो तीन मुद्दे जिसकी चर्चा आज मैं करूंगा इस वीडियो में, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक तो जो भी रिक्वायरमेंट है एडमिट कार्ड पे, उन सबको अभी आज ही अपने पास बैग में या छोटा सा बैग है उसमें रख लीजिए। ये पहला बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जाते समय थोड़ा हड़बड़ी मच जाती है, तो ये काम पहले करना है। दूसरा काम क्या करना है, अब पढ़ाई छोड़ देना है। जो भी दिमाग में है ये भी नहीं सोचना है कि हमें क्या याद है क्या याद नहीं है। हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और रात में पूरी नींद सोना है। कोशिश कीजिए 9 से 10 बजे आप सो जाए और सुबह 6 बजे तक आप सोए, क्योंकि जो डिसाइड करेगा अब कल के 3 घंटे का जो पेपर है यही डिसाइड करता है। मैंने ये नहीं रखता है कि आपने 6 महीना क्या पढ़ा, 3 महीना क्या पढ़ा, 2 दिन क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ेंगे, या आज से कल के 10 बजे दिन तक 9 बजे तक क्या पढ़ेंगे। मैंने दोस्तों ये रखता है, मेरा भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, इतना पेपर हमने भी दिया है, तो अंतिम दिन पढ़ के हम स्ट्रेस नहीं लिया। अब रात भर जग के पढ़ रहे हैं और एग्जाम सेंटर एग्जाम जब दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहा है तो मुझे नींद आ रही है, तो सारा करा कराया बेकार चला जाता है। और जो 3 घंटे है ना, 3 घंटे को इस तरह दो जैसे कि जीवन में ये पहली बार हमें 3 घंटे मिले, और 3 घंटे में संपूर्णता से पूरी शक्ति के साथ हमें लड़ाई करना, पूरी शक्ति को निचोड़ कर रख देना है, बिल्कुल दिमाग शांत रखना है। जैसे पड़ोसी से जब लड़ाई करते हो ना तो संपूर्ण शक्ति निचोड़ देते हो, वैसे ही सोचना कि इस एग्जाम में ये हमारा दुश्मन है और दुश्मन से अगर आप टेंशन से लड़ाई करोगे, दुश्मन से आप फ्रस्ट्रेशन से लड़ाई करोगे तो जीत नहीं पाओगे। दुश्मन से लड़ने के लिए उत्तम रणनीति चाहिए होती है और बिल्कुल शांत मन से। एक दो पॉइंट और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, खासकर जिनका भी मैथ DI कमजोर है, वो बच्चे पहले मैथ DI ना बनाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेस हो जाता है और उस चक्कर में हमारा 10 से 15 मिनट निकल जाता है, तो उसको लास्ट में बनाए। रीजनिंग अगर बन रहा है तो रैंडम बना ले। एक रणनीति जो मुझे लगता है होनी चाहिए कि शुरुआत में जो जो सवाल आपसे बनते जा रहा है उन्हें बनाते जाइए और लास्ट में फिर घूम के जो सवाल नहीं बना है उनको देख लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेस मुक्त होकर ये काम करना है। दूसरी बात है कि हिंदी साहित्य में भी वही रणनीति को अपनाना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप सब, चाहे सवाल कितने भी कठिन पूछे, क्योंकि सवाल तो पूछेंगे, चाहे सवाल आसान पूछे, बिल्कुल अलर्ट होकर सवाल को पढ़िएगा, कहाँ पर नहीं दिया गया है, कहाँ पर है, कहाँ चारों सत्य पूछ रहा है, कहाँ चारों असत्य पूछ रहा है, इन सारे छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना, इन मिस्टेक को हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस पर हम अलर्ट रहे, ऐसे मिस्टेक ना हो। कोई टफ सवाल आ जाए या कंटिन्यू 15-20 सवाल आपको नहीं आ रहा है, तब भी हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल शांत मन से संपूर्णता की ओर बढ़ते जाना है। अब स्ट्रेस नहीं लेना है कि 15-20 सवाल नहीं पढ़ रहा है तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, एकदम मने मन पूरी दुनिया को गाली देना शुरू कर दिए, बस कलम पटक दिए या स्ट्रेस आ गए,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका समय 3 घंटा फट से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटे कैसे बीत गया, फटाफट 3 घंटे निकल जाते हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान नहीं देना है, हमें 3 घंटे बिल्कुल शांत और रिलैक्स मन से किसी के बारे में नेगेटिव थॉट को अपने अंदर आने नहीं देना है। हमें पॉजिटिव सोच के साथ अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और पूरे क्वेश्चन करके आना है। एक दिमाग में ये भी रखना है कि क्वेश्चन छूटे ना। और दूसरी, कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चन छूटने के चक्कर में आधा घंटा पहले सबको रंग के बैठ जाते हैं, ऐसा भी ना करें कि जितना टाइम मिला है अकॉर्डिंग टू टाइम सेटअप करें कि इतने देर में इसको बनाएंगे, इतने देर में इसको बनाएंगे, और हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने कोई 20 क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई 25 क्वेश्चन छोड़ दिया। इस चक्कर में क्या होता है कि सारी रणनीति ही बिगड़ जाती है कि आपने जो 20 क्वेश्चन छोड़ा वो 20 क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो क्वेश्चन हमें किसी भी हाल में छूटना नहीं है। एक पॉइंट और, समय पर पहुंचना है, बिल्कुल रिलैक्स मन से पहुंचना है, शांत मन से पहुंचना है, स्ट्रेस मुक्त। और मेरा मानो तो अब पढ़ना बंद कर दो, अब मत पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, चिल हो जाइए। अभी एक बच्चे ने फोन किया, उन्होंने कहा कि सर मैंने टेस्ट सीरीज दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो बच्चे परेशान। तो बिल्कुल अब इस लेवल पे मत जाइए, कोई टेस्ट सीरीज मत देखिए, कुछ भी मत देखिए, अब अपना शांत। क्योंकि अब देखो, नया चीज आप जो भी अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे वो अगले 8-10 घंटे में अडॉप्ट नहीं होगा, उनके लिए लंबा वक्त चाहिए होता है। तो हमें नया कोई भी अडॉप्ट नहीं करना है, हमने जो पुराना पढ़ा है, जो पढ़ा है मन होते का 1 घंटा पढ़िए, और नहीं मन हो तो ना पढ़िए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाए। और चूंकि मैं पर्सनल सबसे बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपको एक लिए एक वीडियो बना दूँ। धन्यवाद, जय हिंद, फिर हम मिलते हैं। और खुश रहना, स्ट्रेस नहीं लेना। अंतिम बात, जिंदगी का सब कुछ यही नहीं होता है दोस्तों, यह एग्जाम बस एक कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है। तो जो भी हो, खुश हो के पेपर देना, तैयारी हो ना हो, जिंदगी में बहुत सारे पेपर आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगे कि फिर आपको मौका मिलेगा लड़ने का। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये कोमा है। धन्यवाद, जय हिंद।